हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। आपने जैसे कि मेरा थंबनेल देखा होगा कि आपका ये जीके और जीएस का और मैथ्स के जितने भी शॉर्ट ट्रिक है उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो व्हाट इज़ द मोटिव टू मेक दिस वीडियो, क्या मोटिव है कि मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आया। सबसे पहले हमें देखना होगा, थोड़े दिन पहले हमारा असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी नोटिफिकेशन आया था जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कितने लोग असम एग्रीकल्चर और प्लस ऑयल का दोनों का तैयारी कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, मतलब दोनों के सिलेबस में क्या कंपैरिजन है असम एग्रीकल्चर और ऑयल इंडिया लिमिटेड के। कंप्यूटर तो खैर आपको असम एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ना, ऑयल इंडिया में पढ़ना है सिर्फ, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी जितना है जीके जीएस और मैथ्स में क्या दोनों में डिफरेंस है हम देखेंगे, और कैसे दोनों का तैयारी हम साथ साथ कर सकते हैं एक ही के वीडियो से, ठीक है। और कैसे आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा जीके और मैथ्स का, मैं आपको आगे बताते रहूँगा। तो हम एनालाइज़ करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में मैंने आपके लिए एनालाइज़ करने को रखा है ये। तो हम देखेंगे सबसे पहले जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितना भी है सारा आपको सिलेबस मिक्स करके दिखाया है दोनों का, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए दोनों का सिलेबस को मैंने मिक्स करके आपको दिखाया है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों में। आपको करेंट अफेयर तो पढ़ना ही है, करेंट अफेयर कहीं करेंट इवेंट लिखा रहता है, स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चर, साइंस, वहाँ जनरल साइंस का जीएस का आपको पूरा पार्ट पढ़ना है असम एग्रीकल्चर में, और ऑयल में भी जीएस पढ़ना है। सिलेबस इतना नहीं लिखा जीएस में क्या पढ़ना है, लेकिन जीएस में मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से आपका ऑयल प्लस एग्रीकल्चर दोनों का हो जाएगा, इतना गारंटी है मेरी तरफ से आपको, ठीक है। ऑयल प्लस एग्री दोनों का हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस इकोनॉमिक्स दोनों में है, अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस में आपका बुक एंड ऑथर्स आ गया, कल्चरल चीज़ हो गया, जितना भी ये सब कुछ आपका दोनों में है। पर्सनैलिटीज आपको पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम मैथ्स का देख लेते हैं। नेक्स्ट आप मैथ्स का देखेंगे तो दोनों में आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एससीएफ, नंबर सिस्टम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट, एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स, कैलेंडर क्लॉक, मेंसुरेशन परसेंटेज, बोडमास फार्मूला, टाइम एंड डिस्टेंस, एलजेब्रा, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड किस्टन, डेसिमल, एज कैलकुलेशन, एलसीएम, एससीएफ एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारा आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑयल प्लस एग्रीकल्चर दोनों में ही आपको फिर से ये सिलेबस देखने को मिलेगा। कुछ एक दो चैप्टर इधर उधर हो सकता है, लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तैयारी तो दोनों की करनी है, और किसी को एक की भी तैयारी करनी है तो यही बेस्ट सिलेबस है, इससे बाहर और कुछ नहीं आता। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि सोर्स क्या है, कहां से आपको जीके और जीएस का सारा वीडियो मिलेगा और मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ सारा कुछ। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, आपको मेरे जितने भी मेरे चैनल में सबको ही मेरे चैनल को तो पहले लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कुछ बचा नहीं रहे मेरे चैनल का जितना भी वीडियो है, ठीक है। और नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आपको जितने भी मेरे जीके के वीडियो है, आपको मेरे चैनल में 7 जीके के वीडियो मिलेंगे, जीएस के आपको 8 वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। यह आपका दोनों होगा असम एग्रीकल्चर का थंबनेल बना होगा, आप जाके देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दिया है, ठीक है। असम एग्रीकल्चर का होगा, ठीक है, असम एग्रीकल्चर का होगा। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ये असम एग्रीकल्चर का तो होगा, लेकिन आपको दोनों में हेल्प करेगा, प्लस ये आपको ऑयल इंडिया में भी हेल्प करेगा। मैं आपको सही में बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा बहुत हेल्पफुल है, आप जाके इसका कंटेंट देखिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो है जीके और जीएस का। तो जैसे ही आप इसका पार्ट 7 और इसका पार्ट 8 ख़त्म कर लेते हैं, अगला मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक से, वो आपका ऑयल इंडिया प्लस असम एग्रीकल्चर बोल के थंबनेल से आएगा, ठीक है, असम एग्रीकल्चर के थंबनेल से आएगा, और आपको नेक्स्ट पार्ट अब इसी तरह देखने को मिलेगा। मतलब अभी आपको जीके का 7 पार्ट्स हो गया, तो नेक्स्ट 8वां पार्ट देखने को मिलेगा, फिर आपको जीएस का नेक्स्ट पार्ट 9th या 10th पार्ट होगा नेक्स्ट, अब वहाँ से ही चालू होगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से आपको पहले आपको ये पूरा ख़त्म कर लेना है, जीएस और जीके का जितना वीडियो आपको ख़त्म कर लेना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक का, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, आपका जितना भी मैथ का सिलेबस है उसका जितना भी सिलेबस का मैं सबका शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो लेके आता हूँ,
शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो लेके आता हूँ आपका मैथ्स के लिए, मैथ्स का जितना भी सिलेबस है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो में हम क्या करते हैं, हर एक दिन 3 to 4 क्वेश्चंस हम करते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम करते हैं, ताकि आपका साथ साथ सिलेबस ख़त्म हो जाए। जब आप पूरा प्लेलिस्ट एक साथ देख लेंगे, जब आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा वो कितना हेल्पफुल था। और मैं बेसिक का भी वीडियो कुछ कुछ मैथ्स का मैंने दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, प्लेलिस्ट में आप मेरे जाएंगे चैनल के, तो प्लेलिस्ट में आपको क्या होगा, सारा कुछ एक साथ सीजल किया हुआ है, एक साथ सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा, पूरे अच्छे से आपको सीक्वेंसली मिल जाएगा कि जीके का वीडियो कौन सा है, जीएस का कौन सा है, और अभी जो नया कंप्यूटर का वीडियो आ रहा है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो मैथ्स का बेसिक भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। अब एक बात मैं आपको और बोल रहा हूँ, मेरा आपने सिलेबस देखा, अभी आपको मैथ्स का जिस भी टॉपिक का, मैथ्स का एनी टॉपिक, कोई भी मैथ्स का टॉपिक का, आपको जिस टॉपिक का बेसिक का वीडियो चाहिए, बेसिक का वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे मिला कि इस टॉपिक का मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं उसका डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूंगा। और साथ साथ आपका ये PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मैथ्स का चलता रहेगा, कोई उसे मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो PYQ प्लस शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो आप अच्छे से जाके देखते रहिए, और मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैथ्स का भी प्रॉब्लम आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जीके और जीएस का तो मैंने बताया, साथ में मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सारे वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीक से, ठीक है, नेक्स्ट वीक से मैं चालू कर रहा हूँ आपका, नेक्स्ट वीक से आपका फिर वैसे ही 7th 8th जो भी पार्ट से अब स्टार्ट होगा, जीके प्लस जीएस का वीडियो आएगा, और अब थंबनेल जो होगा वो ऑयल प्लस असम एग्रीकल्चर के लिए होगा, जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो एक का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारा वीडियो देखने को मिले और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे वीडियो में, तो साथ में मिलकर हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, लेट्स क्रैक इट, और थैंक यू वेरी मच।